हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मय उन्नति टैलेंट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस चैप्टर नंबर 10 हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशंस में टॉपिक एडेप्टेशंस फॉर बोरियल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लुकिंग अबाउट द टॉपिक दैट इज एडेप्टेशंस फॉर बोरियल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं और जो पर्टिकुलर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें अपनी हैबिटेट में रहने के लिए हेल्प करती है उन्हें हम एडेप्टेशंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स द्वारा बोरियल और टेम्परेट फॉरेस्ट्स में किए जाने वाले एडेप्टेशंस के बारे में बताऊँगा। Some adaptations shown by the plants and animals living in boreal and temperate forests are given below. So let's look about it. First is of plants. Many varieties of plants like mosses, lichens and black spruce are found in boreal forests, while coniferous forests like pines and firs are the most abundant in temperate forests. तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बोरियल फॉरेस्ट्स की। तो फ्रेंड्स, ये फॉरेस्ट्स जनरली आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं, जो हमारी अर्थ का ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है एंड सबसे टॉप मोस्ट जो पोलार रीजन्स के आसपास जो रीजन आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वहाँ पर बोरियल फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बोरियल फॉरेस्ट्स, इन्हें आर्कटिक फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है और टेगा फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मॉसेस, लीचेंस और ब्लैक स्प्रस। तो ये सब प्लांट्स के नाम हैं जो बोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स, जिसे टेम्परेट फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। ये वो फॉरेस्ट्स होते हैं जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड होती है। ये मॉडरेट क्लाइमेट वाले फॉरेस्ट्स होते हैं। और ये फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उस वाले रीजन्स में ये टेम्परेट फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पाइन्स और फिर्स जैसे ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं। तो फर्स्ट फीचर है, दीज ट्रीज शेड स्नो ईजिली। द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स विथ थिक वैक्सी कोटिंग्स टू रेसिस्ट कोल्ड कंडीशंस एंड मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग ड्राई मंथ्स। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये एक बोरियल फॉरेस्ट का सीन है। तो फ्रेंड्स, जो बोरियल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट, दोनों में लगभग कोल्ड क्लाइमेट ही रहता है, राइट फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप इनके ट्रीज देख सकते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं फ्रेंड्स, वो नीडल शेप्ड के होते हैं, यानी कि उनके जो कॉर्नर्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके जो कॉर्नर्स हैं वो फ्रेंड्स नीडल के जैसे, यानी कि सुई के पॉइंटेड जैसे, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम शार्प हैं पॉइंट से, राइट फ्रेंड्स। तो इन्हें नीडल शेप्ड लीव्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये फॉरेस्ट्स में ट्रीज जो होते हैं, ये ऐसे लीव्स इसलिए रखते हैं फ्रेंड्स, ताकि जब स्नो गिरे तो आसानी से ये नीचे गिर सके, क्योंकि नीडल शेप्ड है और एकदम फ्लैप है, राइट फ्रेंड्स। और साथ ही साथ, क्योंकि फ्रेंड्स जो फॉरेस्ट होते हैं बोरियल फॉरेस्ट, वहाँ पर जो सनलाइट होते हैं वो बहुत ही कम आती है, राइट फ्रेंड्स। जो सन होता है वो बहुत ही कम उगते हैं, जो सनलाइट है वो बहुत ही रेयर होती है, इसलिए फ्रेंड्स, ताकि वो अपनी वाटर ट्रांसपिरेशन को ज़्यादा लूज ना कर सके, अपने न्यूट्रिएंट्स बनाए रखें, इसलिए फ्रेंड्स उनकी नीडल शेप्ड लीव्स होती है, जिससे कि उनके लीव्स से वाटर लॉस नहीं हो पाता। और फ्रेंड्स, ये जो लीव्स होती हैं वो उन्हें ड्राई मंथ्स, यानी कि जो सूखे पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है ड्राई पीरियड, जहाँ पर कुछ भी ना तो सन की रेज पड़ती, कुछ भी नहीं पड़ता, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट होता है उस वक्त, उसे ड्राई मंथ्स कहते हैं बोरियल फॉरेस्ट में। तो ऐसे लीव्स और ट्रीज को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग ड्राई मंथ्स और ड्राई पीरियड्स। Second is that when the temperature drops below the freezing point, the plants can still undergo photosynthesis during the
डे। यस फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि जब टेम्परेचर हो जो होता है, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो माउंटेनी रीजन्स होता है वहाँ पर टेम्परेचर पूरे साल भर माइनस डिग्रीज में रहता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट में रहता है, माइनस डिग्रीज में रहता है, जैसा कि हम सभी को पता है। तो फ्रेंड्स, उस कंडीशन में भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि उनके एक स्पेसिफिक लीव्स होते हैं, उनकी इन्हीं लीव्स के कारण वो अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलो कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही वो अपने न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं और जो इन फॉरेस्ट्स में लंबे पीरियड तक सर्वाइव कर पाते हैं। वहीं थर्ड की पॉइंट की बात करता हूँ, ब्रॉड लीव्स प्लांट्स यूजुअली लॉस देयर लीव्स एट द ऑनसेट ऑफ फ्रीजिंग कंडीशंस इन द फॉल। द लीव्स डू नॉट ग्रो अंटिल मोस्ट ऑफ द डेंजर ऑफ फ्रॉस्ट हैड पास्ट। तो फ्रेंड्स, इन फॉरेस्ट्स में पाए जाने वाले जो ट्रीज़ हैं उनकी एक और खासियत होती है कि फ्रेंड्स, जब विंटर का महीना आ जाता है, बहुत ही कोल्ड समय आ जाता है, जैसे कि फ्रेंड्स हम बात करते हैं हमारे इंडिया में कोल्ड पीरियड कब आता है, यानी कि विंटर मंथ कब आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टिल फेब्रवरी, राइट फ्रेंड्स। तो वैसे ही जब यहाँ पर विंटर सीजन आता है, विंटर मंथ आता है, तब फ्रेंड्स इनकी जो ये ट्रीज़ हैं ये अपना लीव्स शेड कर देती है, यानी कि इनके जितने भी लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं और ये एकदम इनके ट्रीज़ पर कोई भी लीव्स नहीं होती जब तक कि समर ना आ जाए। समर और रेनी सीजन आते हैं और जब स्प्रिंग सीजन आता है तभी फ्रेंड्स ये अपने ट्रीज़ पर लीव्स को फिर से जनरेट करते हैं, बाकी पूरे विंटर इन ट्रीज़ पर कोई भी लीव्स नहीं होता, ताकि फ्रेंड्स ये उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि एनिमल्स क्या क्या अडेप्टेशंस करते हैं बोरियल और टेम्परेट फॉरेस्ट्स में रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि पॉक्यूपाइंस, एल्क्स, बॉबकैट्स, ग्रिजली बियर्स, रेड फॉक्सेस एंड स्नोशू हेयर्स आर एविडेंट इन द बोरियल फॉरेस्ट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोरियल फॉरेस्ट्स के बारे में कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर पॉक्यूपाइंस, एल्क्स, बॉबकैट्स, ग्रिजली बियर्स और रेड फॉक्स पाए जाते हैं। तो चलिए इनके फीचर्स देखते हैं जो इन्हें इन फॉरेस्ट्स में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। दीज एनिमल्स हैव थिक फर इन ऑर्डर टू स्टे इंसुलेटेड फ्रॉम द कोल्ड। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने देखा होगा कि जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, जितने भी माउंटेनी रीजन्स होते हैं, वहाँ पर जो भी एनिमल्स हमें मिलते हैं उन सबके थिक फर रहती है, यानी कि एक मोटी फर रहती है। हमने देखा होगा एक पोलर बियर की स्किन, तो उसके फ्रेंड्स जो फर रहती है वो एक थिक फर से कवर्ड रहती है उसकी बॉडी, राइट फ्रेंड्स। उसी में वो फैट अपना स्टोर करता है, तो एक मोटी फर होती है। लाइक हम विंटर में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं जो हमको वार्म रखते हैं, वैसे फ्रेंड्स उनकी जो थिक फर होती है वो उन्हें विंटर मंथ्स में उन्हें वार्म रखती है और इन फॉरेस्ट्स में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दे हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड लार्ज फीट और हूव्स इन ऑर्डर टू प्लो थ्रू द थिक स्नो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि इन फॉरेस्ट्स में फ्रेंड्स बहुत ही स्नो जमा रहता है और जो स्नो का लेवल है वो लैंड से कई गुना ज़्यादा अपर सरफेस में होता है, राइट फ्रेंड्स। तो इन एनिमल्स के फ्रेंड्स बहुत ही लार्ज फीट होते हैं, उनके लार्ज फीट होते हैं जिसके कारण फ्रेंड्स ये इस स्नो में, इस थिक स्नो में ईजिली वॉक कर सकें, ईजिली चल सकें और इनको कोई भी दिक्कत ना हो अपनी मूवमेंट में। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, एनिमल्स आर एडेप्टेड टू हाइबरनेट ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट मंथ्स। सो फ्रेंड्स, जो बोरियल फॉरेस्ट्स में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी एक और खासियत रहती है कि फ्रेंड्स जो विंटर मंथ्स हैं उसमें अधिकतर एनिमल्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, हाइबरनेशन वो पीरियड होता है जब बहुत ही ठंड पड़ती है उस सीज़न में, बहुत ही विंटर वहाँ पर होता है, विंटर सीज़न होता है पूरा, और उसमें फ्रेंड्स ये सभी एनिमल्स रिलैक्सिंग पीरियड में चले जाते हैं, यानी कि ये कुछ मंथ्स के लिए हाइबरनेट करते हैं, कुछ मंथ्स के लिए सो जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स पोलार बियर हो गया, वो इन विंटर मंथ्स में फ्रेंड्स कहीं इन्हीं फॉरेस्ट में छुपकर सो जाता है, ताकि फ्रेंड्स उसे विंटर मंथ्स में फूड और बाकी वाटर के लिए उसे ऑफकोर्स फ्रेंड्स उसे कहीं जाना ना पड़े।
और ये अपनी जितनी भी फैट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और हाइबरनेशन के पीरियड में चले जाते हैं कुछ मंथ्स के लिए, जब कोल्डेस्ट मंथ आ जाता है। फोर्थ पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एडेप्टेशंस इन द बोरियल फॉरेस्ट एनिमल्स इज सीन इन द वुड फ्रॉग। This creature can actually survive by becoming frozen. It will often freeze for several weeks during the winter months with over 60% of its body fluids fully frozen. Yes friends, तो बोरियल फॉरेस्ट्स में पाए जाने वाली सबसे मोस्ट अमेजिंग एडेप्टेशन फ्रेंड्स वुड फ्रॉग के बारे में है। फ्रेंड्स ये एक फ्रॉग का स्पीशीज है, फ्रॉग का टाइप है जिसे वुड फ्रॉग कहा जाता है। फ्रेंड्स ऐसे जो फ्रॉग्स होते हैं वो विंटर मंथ्स में जैसा कि हमने देखा कि कुछ एनिमल्स तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कुछ के थिक फर होते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाते हैं। बट फ्रेंड्स वुडन फ्रॉग जो होता है वो फ्रेंड्स फ्रीज हो जाता है इस टाइम, यानी कि वो पूरा जम जाता है, वो अपने आप को जमा लेता है विंटर मंथ्स में और बहुत ही वीक्स तक, यानी कि वो बहुत ही वीक्स तक इस कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है। और फ्रेंड्स बात करते हैं उसके बॉडी की, लगभग फ्रेंड्स 60% जो होती है वो पूरी तरह से फ्रोजन रहती है, यानी कि पूरी तरह से जमी रहती है, ताकि फ्रेंड्स वो विंटर मंथ्स में आसानी से सर्वाइव कर सके, उसे कोई दिक्कत ना आ पाए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन बोरियल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट्स। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक अडेप्टेशंस फॉर बोरियल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट्स ऑफ साइंस चैप्टर नंबर 10 हैबिटेट्स एंड अडेप्टेशंस। आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Thank you and have a nice day ahead.